यशोधरा नगर के परवेज नगर ईटा भट्टा परिसर में अगरबत्ती कारखाने में भीषण आग लग गई। दोपहर 12 बजे से लगी इस आग को बुझाने में अग्निशमन के जवान देर रात तक डटे रहे। ईट भट्टा परिसर में सलीम खान का रॉकेट अगरबत्ती कारखाना है। कारखाने की एक मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर और पहले माले पर टीन की छत बनाई थी। कारखाने में नीचे और पहले माले पर अगरबत्ती बनाने का कच्चा माल रखा हुआ था, जिसमें खुशबूदार तेल, कोयले की चूरी, राख, अगरबत्ती बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ियाँ, पैकिंग के लिए प्लास्टिक की पन्नी, केमिकल तथा अन्य सामानों का समावेश है। दोपहर 12 बजे आग लगी और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कारखाने में रखा सभी कच्चा माल तीव्र ज्वलनशील रहने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। कारखाने के भीतर आग फैल कर टीन के शेड से लपटे बाहर निकलने लगी। आग की लपटे निकलने पर परिसर में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में आ गए। अग्निशमन दल को 12:19 पर आग लगने की सूचना मिली। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, अग्निशमन दल के 5 फायर टेंडर, 3 वाटर ब्राउजर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। अग्निशमन दल के जवान आग को काबू में करने की मशक्कत करते रहे। अग्निशमन दल के फायर टेंडर तथा वाटर ब्राउजर कम पड़ने पर OGW के टैंकर बुलाए गए। 5 टैंकर घटनास्थल पर पहुंचे। शाम तक आग थोड़ा नियंत्रण में आने की अग्निशमन दल के सूत्रों से जानकारी मिली, लेकिन देर रात तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आई। आग को पूरी तरह बुझाने के लिए अग्निशमन दल के जवान देर रात तक जुटे रहे। कारखाना परिसर में एक दोपहिया वाहन रखा था, जो आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग में किसी के आहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मात्र लाखों का माल का नुकसान होने की खबर सामने आ रही है।